पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम मुरादाबाद की ओर से दीपोत्सव मेले का शुभारंभ गुरुवार को कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। शहर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, डीआईजी सलभ माथुर मौजूद रहे। अतिथियों ने सभी स्टॉल्स का भ्रमण किया। लाइन पार्क के रामलीला मैदान में आयोजित मेले को स्मार्ट सिटी की थीम के साथ विभिन्न उत्पादों से सजी प्रदर्शनी के साथ शुरू किया गया। 4 अक्टूबर तक चलने वाले मेले में 80 से अधिक स्टॉल सजाए गए हैं। मिट्टी के दीयों से लेकर सजावट के हर सामान समेत फूड कोर्ट और बच्चों के लिए झूले भी सजाए गए हैं। लेकिन आप लोगों की सजगता के प्रयास से, मजबूत नेतृत्व के कारण आज देश में लगभग 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा और दुनिया के विकसित देशों के साथ साथ हमारे देश में भी वैक्सीन उपलब्धता, वैक्सीन टीकाकरण का काम हम लोगों ने मिलकर किया है। ये दुनिया में देश की ताकत और आपकी शक्ति का बढ़ता हुआ स्वरूप है। लेकिन अपनी समस्याओं के साथ हमें दृढ़ता से खड़ा होना है, अपने सब साथियों के, भाइयों बहनों के साथ मिलकर उनके दुख को दूर करना है। और ये जो मेला है, मेले में हम लोग आए, अधिक से अधिक अपनी भागीदारी रहे और जो लोगों ने अच्छे अच्छे उत्पाद के स्टॉल लगाए उन स्टॉलों में खरीदारी करें, जिससे कम से कम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे सकें और रोजगार के सुलभ अवसर और उनके लिए एक बेहतर बाजार की व्यवस्था हो सके। मैं एक बार पुनः नगर निगम मुरादाबाद को और सभी सम्मानित अपने पदाधिकारियों को, सम्मानित विधायक सांसदों को सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नगर निगम के द्वारा एक भव्य मेला का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे हर्षोल्लास के साथ मुरादाबाद में इस मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले में मुरादाबाद की जनता के लिए मनोरंजन के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन के स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं। जो स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान और बहुत सस्ता सामान रखा गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया इस मेले का लाभ आप लोग उठाएं और नगर निगम के द्वारा आयोजित मेले का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो, जिससे कि इसका लाभ मुरादाबाद की जनता ले सके। मैं इस भव्य आयोजन के लिए नगर निगम की समस्त टीम को, नायक साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहायता हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय हो, रोजगार का हो, विकास का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सभी क्षेत्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से और हमारे जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासन ने इन सबका जो क्रियान्वयन जिस तत्परता से, जिस तेजी से किया है, चाहे वो कोरोना की महामारी का काल हो और चाहे अब उसके बाद अभी बाढ़ के पीछे विभीषिका रही, हर क्षेत्र में नगर निगम ने, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो फॉगिंग का हो, पेयजल का हो, सड़कों के निर्माण का हो, स्मार्ट सिटी का हो, पार्क का हो, लाइटों का हो, सभी क्षेत्रों में मैं अपने नगर निगम के सभी अधिकारी बंधुओं का धन्यवाद करूंगा। दीपावली के अवसर पे प्रदेश सरकार ने ये संकल्पना की कि चूंकि कोरोना महामारी की वजह से बड़े लंबे समय तक लोगों के व्यवसाय मंदी के दौर से गुजरे, जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने तो किसी तरह अपना काम चला लिया, लेकिन जो रोज कमाने खाने वाला तबका था
उसकी आमदनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस दौर में चूँकि अब धीरे धीरे सामान्यीकरण की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ये सोचा गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां रोज कमाने खाने वाले लोगों की एक तरफ की आमदनी बढ़े, उनको अपना त्यौहार के पहले अच्छा बिजनेस करने का मौका मिले। वहीं जो हमारे विभिन्न सरकारी विभाग हैं, विभिन्न हस्तशिल्पी हैं, उनको भी एक मंच उपलब्ध कराया जा सके ताकि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी पब्लिक तक पहुंचा सके और जो हस्तशिल्पी हैं वो भी अपने उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करके इस मौके का लाभ उठा सके। शहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए मेले में बच्चों के लिए किड्स वन जोन विकसित किया गया है। अच्छे तरह तरह के खाद्य उत्पादों के लिए एक फूड कोर्ट हमने यहाँ एस्टेब्लिश किया है और इसके अलावा प्रत्येक दिन रोज आना कोई ना कोई सांस्कृतिक गतिविधि इस मेले में आयोजित की जाएगी जहाँ लोग आकर के मनोरंजनात्मक क्षणों का, मनोरंजन के पलों का भी आनंद ले सकते हैं। सर समय क्या है? मैं ये बता दूं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रतिदिन आयोजित होंगे सायंकाल 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, उन कार्यक्रमों में किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाने के बजाय जो हमारे स्थानीय लोक कलाकार हैं उनको ही मंच पर स्थान दिया गया है ताकि वो भी इस अवसर पर अपना योगदान दे करके इस कार्यक्रम का लाभ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।